नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 017 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास एक आवाज़ एलेक्सा 3200 आया बनने के लिए। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है कि फुल्ली डेड पोजीशन में सिर्फ पावर लाइट ऑन है और ना पंखा चल रहा है ना बज रहा है। ग्राहक का कहना है कि इसका चैनल दोनों बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इस बोर्ड को ओपन कर रखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हो। बुरी तरह जला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ भी फिक्सेटर फटा हुआ है। आप नीचे देख सकते हो पूरा बर्न हुआ है, देख सकते हो दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी पार्ट्स जला हुआ उसको पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद आगे चैनल में क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें आप यहाँ पे Z44N का एक MOSFET है जो कि बुरी तरह जला हुआ था। यहाँ पे 1 ohms की रेजिस्टेंस और आप देख सकते हो ये ट्रैक भी जला हुआ है यहाँ से, जो कि इस ट्रांजिस्टर से आ रही है। ये ट्रांजिस्टर भी जला हुआ था जो कि मैं चेंज किया, आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर इसका क्या हालत है। इसका नंबर है 004B। तो ये ट्रांजिस्टर भी मैंने चेंज किया है और ये आप पीछे इसका देख सकते हो, यहाँ से ट्रैक जला हुआ था, पीछे मैं जोड़ा हूँ। लेकिन दोस्तों, इसमें हमको LM393 का जो IC, ये दोनों चेंज कर देना है। और एक बार हम इसका जीनर जितना भी लगा है सब एक एक करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जीनर जब मैंने चेक किया तो आप देख सकते हो ये जो जीनर है ये शॉर्ट आ रहा है। तो मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक किया है, मल्टीमीटर रेंज से जब चेक कर रहा हूँ तो ये जीनर शॉर्ट बता रहा है। आप देख सकते हो इस जीनर को भी हमको ओपन करके चेक किया। ये जीनर मैंने ओपन कर रखा है, इसका नंबर है 4744 जो कि 15 वोल्ट का जीनर है। तो मैंने दूसरा जीनर निकाल के इसमें लगाना है। इसमें आप देख सकते हैं ये 15 वोल्ट का जीनर है, तो इसका भी नंबर सेम है। मैं दोस्तों, आप देख सकते हो ये LM393 की जो IC लगी हुई है, मैंने दोनों IC चेंज किया है, आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है 3155 दूसरा 2955, ये दोनों ख़राब है। तो मैंने IC चेंज किया, उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर ओपन किया क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा था और दोनों शॉर्ट ही है। तो हम आपको चेक भी करके और दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये 3055 दूसरा 2955 है, तो मेरे पास ये दोनों सेम ट्रांजिस्टर नहीं है। हम इसके जगह पर एक 15032 और एक 15033 लगाएंगे। देख सकते हो दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा फिटिंग करके उसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे Z44N का एक MOSFET जो कि ख़राब था, सो मैंने उसको चेंज भी किया। जो कि आपका फैन जो लगी हुई होती है उसका ऑपरेटिंग के लिए रहता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये कैपेसिटर और आप ये 2955 1355। तो दोस्तों, 2955 जो है -15 वोल्ट के लिए और 3055 जो है +15 वोल्ट के लिए है। कभी भी अलेक्से का कोई भी सीरीज हो, अलेक्से 2000 3200 या फिर कोई और,
अगर ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होता है 3055 और 2955, तो आप एक बार ये जो जिनर लगी हुई होती है ये वाली और ये वाली, ये दोनों को एक बार चेक कर लें, क्योंकि 90% ऐसा होता है अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ तो वो जिनर जो है या तो शॉर्ट हो जाए या फिर वो कुछ भी नहीं बताएगा, ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये दो जिनर जो है मैंने दोनों ही नया डाला है। पहले इसमें 15 वोल्ट का जिनर था, अभी मैं इसमें 22 वोल्ट का जिनर लगा दिया हूँ। सो मेरा सेट ओके है, लेकिन दोस्तों इसमें दोनों फैन जो लगी हुई होती है, दोनों फैन ख़राब है, जो कि आप देख सकते हो मैं ओपन कर रखा है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। और इसमें हम नया ये फैन आपका 24 वोल्ट में है। सो इसमें नया पंखा लगाएंगे और इसको चेक करके देखेंगे, तो बने रहो हमारे बीच। तो ये मैं नया फैन इसमें इंस्टॉल कर लिया हूँ, और आपको एक बार एम्प को ऑन करके भी हम दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो है एम्प मेरा ऑन हो गया, देख सकते हो। तो दोस्तों ये एम्प का ये जो फैन लगी हुई है इसका ये रोल है कि आपका सेट जब ओवरहीट हो जाएगा तो आपका फैन ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हीट होने के बाद ये शॉर्ट हो जाता है और आपका फैन को सिग्नल देता है कि ये आपका ऑन हो जाए। आप देख सकते हो अब हम इसका एक बार ऑडियो भी चेक कर लेंगे। सिग्नल इसका जो है हम ये सीरीज कोड इसमें इन कर लिए हैं, एक बार हम इसको एक बार ऑन करते हैं फिर से। मेरा सेट ऑन हो गया, साउंड को हम थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं, और ये आपका ऑडियो सिग्नल इनपुट वाली। तो मेरा एम प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। इधर मैं भी फैन को ओपन किया क्योंकि दोनों फैन ख़राब था, तो मुझे साइड को ओपन करना पड़ा क्योंकि उसका फ़ैन खुल नहीं रहा था। तो दोस्तों ये एम प्रॉपर बन के तैयार है, अब हम इसका सिर्फ फ़ैन लगाना बाकी है। एक और फैन लगाएंगे उसके बाद सेटल कर देंगे इसको, रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आवाजा का बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है आपका एलेक्सा 3200, क्लास एच का है ये सब, आप देख सकते हो। तो इसका शायद पंखा ख़राब होगा, इस वजह से आपका इधर में जो जली हुई है सर्किट आप देख रहे हो, इस वजह से आपका ये एम्पलीफायर में ऐसा प्रॉब्लम आया देखने को। कभी भी ऐसा अगर फॉल्ट आए, आपका पंखा ख़राब हो जाए, तो आप एम्प को चलाएं नहीं, पहले उसका फैन को चेंज करा लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।